लगभग 800 वर्ष पूर्व सिद्धवन जंगल के अंदर एक प्राचीन आदिवासी ग्राम में 100 परिवार रहते थे, जहां जीवधारा नाम की एक सुंदर नदी जंगल से होकर गुजरती थी। करने आते और नदी के तट पर कड़ी तपस्या करते। इन्हीं महर्षियों ने आगे चलकर गांव वालों को धर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गांव वालों को सिद्ध वन की जड़ी बूटियों से औषधि बनाना सिखाया। आयुर्वेद के मार्ग पर चलकर वो एक महान सभ्यता बन गई। कई पीढ़ियों तक हर विपत्ति का सामना करते हुए ये योगी गांव वालों से दोहराते रहे कि इस जगह को छोड़कर वो कभी भी न जाएं। उन्होंने इस जगह के बारे में एक रहस्य खोला। कई युग पहले सिद्धवन गांव पर राक्षसों का आक्रमण हुआ था। योगियों की तप शक्ति से जागकर स्वयं मां जगदम्बा रौद्र रूप धारण कर प्रकट हुई और उन्होंने राक्षसों का विनाश करना शुरू किया। मां काली के इस मृत्यु संहार को देखकर जब गांव वाले भयभीत हुए, तब देवी मां ने कुछ क्षणों के लिए सूर्य ग्रहण लगाकर पापियों का ध्वंस उनकी आंखों से ओझल कर दिया। महापापियों के विनाश के बाद देवी सदैव गांव की सुरक्षा करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर पार्थिव रूप धारण किया और तभी से वो गांव की निगरानी कर रही है। सिद्धवन गांव के लोगों ने उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। जीवधारा के जल और सिद्धवन के कंद मूल फल से वो श्रद्धापूर्ण चढ़ावा चढ़ाते रहे और इसी विश्वास के साथ कि देवी के चरण हमेशा सिद्धवन की रक्षा करेंगे, उन्होंने अपने गांव का नाम रखा माता चरण। सदियों तक मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंचती रही और इस नगर का नाम पड़ा धर्मस्थल। माता चरण गांव से उत्पन्न धर्मस्थल एक ध्रुव तारे की तरह धर्म के मार्ग पर चमकने लगा। पिछले कुछ वर्षों से ये धर्मस्थल अधर्म स्थल बन चुका है। जहां धड़ल्ले से कुकर्मों का कारखाना चल रहा है। मालिक, यह अनाज गुरुकुल और अनाथालय के बच्चों के लिए है। सारी बोरियां भाई के घर भेज दो। हे, अब तुम लोग जाओ, चलो जल्दी जल्दी करो। ये जुर्म का अड्डा बन चुका है। पर नदी के उस पार माता चरण अग्नि के समान आज भी पवित्र है, धर्म के सिद्धांतों से सुसज्जित। आओ बैठो। नमस्ते एमएलए साहब। नमस्ते वेदा। ये सभी लोग आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अध्यापक और शोधकर्ता हैं। ये तुमसे कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। बैठिए, आप भी बैठिए। माँ जी बैठिए। हमें ताज्जुब है कि आयुर्वेद का इतना विद्वान पंडित पूरी दुनिया से अलग दूर इस घने जंगल में अकेले अब तक क्यों छिपा बैठा है। आप सब लोग हमारी दुनिया में आओ और हमारे साथ हाथ मिला लो, फिर देखना आप सबकी जिंदगी बदल जाएगी। सदियों से इस सिद्धवन और धर्मस्थल से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, इसी की गोद में हम जिएंगे और मरेंगे भी। धर्मस्थल में रहोगे, यहाँ जो भी चल रहा है जानते हो ना, फिर भी तुम यहाँ रहना चाहते हो वेदा। माँ का यही धर्म होता है कि बच्चों की सभी गलतियों को वो सुधारें, ना कि उन्हें त्याग दे। भी आकर औषधि पियोगी तो सब बोलेंगे सुभद्रा बहुत अच्छी बच्ची है, ठीक है ना? माँ जगदम्बा की जय हो। माता चरण वालों ने ही इस विशाल मंदिर का निर्माण किया था। माँ जगदम्बा की कृपा से धर्म के मार्ग और निस्वार्थ सेवा भाव से वो निरंतर हमारे मार्गदर्शक बने रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम माता चरण वालों के हमेशा कृतज्ञ रहें और यही हमारा धर्म है।
हजारों बार इसे समझा चुका हूं मैं कि ये अपने कंठ से माता चरण वालों का नाम कभी ना निकाले। या तो ये मुझसे कम डरता है या फिर उनको कुछ ज्यादा ही चाहता है, ये तो पता नहीं। अगर दोबारा उनके बारे में सुना तो इसके अंदर से इसका दिल ही निकाल लूंगा मैं, क्योंकि ये उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। कैसे समझाऊं? सर एक बार फिर से सोच लीजिए सर, उन्हें गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। एक पुलिस वाले होकर तुम्हें यह बोलने में शर्म नहीं आती? यहीं रुको तुम। चार ऑफिसर तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। नमस्कार, म्युनिसिपल चेयरमैन होते हुए आप इस धर्मस्थल को लूट रहे हैं, ऐसी कंप्लेन आई है। hey, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ जानता हूँ, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए हम अपने साथ सारे सबूत लाए हैं। धर्मस्थल में आके माँ जगदम्बा के दर्शन नहीं करना पाप है। आइए पहले माँ के दर्शन कर लेते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। एक बात बताओ, तुमसे पहले मुझसे मिलने यहाँ कई ऑफिसर्स आए थे, उन सब का क्या हुआ कभी पता करने की कोशिश की? इतने बड़े पद पर पहुंचे हो, मतलब बहुत बुद्धिमान हो गए, पर धर्मस्थल में आकर तुम बसवा को गिरफ्तार करके ले जाओगे, ये कैसे सोच लिया? घर पर बोल कर आए हो ना कि आज भगवान से मिलने जा रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज सर। इनके चेहरों की पहचान बिगाड़ के जीवधारा में फेंक दो। हमारे बारे में ऑफिसर से किसने शिकायत की ओब्लू से कहो पता लगा है। ठीक है। नमस्ते नमस्ते भाई। गुरुकुल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ अच्छी चल रही है, पर पढ़ाई के अलावा भाई हम लोग थोड़ी मस्ती करना चाहते हैं, तो आपके ये लोग हमें माल नहीं देते हैं। भाई छात्रों को ये सब देना ठीक नहीं है ना? अरे इस उम्र में नहीं देंगे तो कब देंगे, तुरंत भेज दो। जी भैया। बड़ी रैली की तैयारी करो, भैया को इस बार एमएलए बनाना है। ठीक है भैया। सारे छात्रों को बता दो। ठीक है। बसवा को गिरफ्तार करने जो चार ऑफिसर आए थे उनके चेहरे कुचलकर जीवधारा में फेंक दिए। धर्मस्थल में धर्म ही खत्म हो रहा है, आखिर ये सब कब तक चलेगा? माता चरण की सुरक्षा करना हमारा धर्म है और हमें अपना धर्म निभाना है। पर हम इनके अत्याचार और कितने दिन सहेंगे? क्या माँ जगदम्बा नहीं जानती कि इस जग में क्या क्या हो रहा है? दिख रहा है मुझे सूरज के जलते अंगारों की चिंगारी से निकलती एक तलवार इस अंधेरे को चीरने आ रही है।
राजलक्ष्मी, तेरे साथ घूमने वाली वो जगदम्बा दिखाई क्यों नहीं दे रही? मेरी नजरों से कब तक छुपाओगी उसे? ज्यादा चालाकी करोगी ना तो उसे छोड़कर तुझे उठा लूंगा मैं। वैसे ये भी मस्त है, क्या बोलता है? इतना क्या सोच रहे हो? मैंने कहा ना, 1000 से कम नहीं लूंगी। तेरा धंधा ही सही है। हाँ तो तू भी शुरू कर लेना। ए नागलू। हाँ भैया। कैसा है तू? ठीक, सफर ठीक रहा ना? शक तो नहीं हुआ किसी को? मैंने कहा हम लकड़ी का काम करते हैं, किसी को भी शक नहीं हुआ। आज गांव में माता के भजन गाने वाली कोई मंडली आई है तो हम सुनने चले। अगर आप मेरी शादी करवा दो तो हम दोनों आपके लिए रोज स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे। जब भी शादी की बात करता हूँ बात ही बंद कर देते हो। आप शायद नए आए हो, हम आपके पड़ोसी हैं। कोई औरत नहीं दिखी तो हमें लगा खाना बनाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए खाना लाया है। अरे बहन जी, आपने क्यों तकलीफ की? ये लीजिए। आप तो महान हैं। वो क्या है ना कि मेरी शादी हुई नहीं है ना, आपकी जानकारी में कोई लड़की हो तो हम भी शादी करके यहीं बस जाएंगे। फिसल गया। समझ गया, इतना गुस्सा क्यों, इशारों में कह देते। ये आपकी बेटी है? हाँ। आजा 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 आजा। जाओ बेटी। नाम क्या है तेरा? उमा देवी। ओ, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मांग लेना। ठीक है, आओ उमा। सुनिए, मैंने माता चरण वालों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ वो लोग दिखे ही नहीं कहीं पर। धर्मस्थल में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से उन्होंने आना बंद कर दिया है। औषधि देने के लिए वो हफ्ते में एक बार आते हैं, उपचार करके चले जाते हैं। स्थल में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी शिकायत तुम में से किसने जाकर अधिकारी से की थी? पर वो सब तो जीवधारा में विलीन हो गए, आज उनके घरों में मातम छाया है। औषधि देकर तुम बीमार को ठीक तो कर सकते हो, पर तुम लोग एक सीधी सी बात नहीं समझते कि अगर धर्म स्थल ही ठीक नहीं रहा तो इसे बचाने के लिए ना तुम्हारे पास कोई औषधि है ना ही ताकत। धर्मस्थल में ऐसे जुर्म और पाप का अंजाम भुगतोगे। रोज माता चरण से जीवधारा पार करके आते हो ना, किसी दिन अगर नाव पलट गई तो रोने के लिए लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हारी। आराम खोरो, जगदम्बा ने स्वयं जी ने पाला है, उन माता चरण वालों के छाती पर पांव रख दिया, ऐसा घोर पाप किया। माता चरण वालों को लात मारने वाले अभी तक अपाहिज कैसे नहीं हुए, और कितने अन्याय देखेगी हमारी माँ जगदम्बा। कौन है तू?
क्या चाहिए तुम्हें? 2 किलो माल चाहिए मुझे। कहां से हो? जिधर भी अपना माल बिके अपने को तो वही जगह अपनी लगने लगती है, समझ गया ना तू? है 2 किलो माल दे इसे। थोड़ा माल चाहिए था इसे। ये कौन है? कभी देखा नहीं इसे। नहीं है क्या? चेहरा दिखाना। चरण वालों की छाती पर जो भी टांग रखेगा उसकी टांग तो तोड़नी ही पड़ेगी। पर कौन सी रखी थी, बाईं वाली कि दाईं वाली? इसके पापों का फल है और जनता यही सोचती रह जाएगी कि यह सब मां का प्रकोप था। उन्हें यही सोचना चाहिए। चरण वालों को लात मारने वाले अभी तक अपाहिज कैसे नहीं हुए? और कितने अन्याय देखेगी हमारी मां जगदम्बा? जिन्होंने तुम्हें मंदिर में लात मारी उन्हीं का इलाज करोगी? यहाँ पर कोई भी इंसान आए उसका इलाज करना हमारा धर्म है। वो बोलू कल से दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अपने सारे माल का हिसाब किताब उसी के पास है। अपने लड़कों को भेजो और जहां भी हो उसे उठाकर लेके आओ। ठीक है।
मैं आपका साथ देता हूं ताकि जब मुझे जरूरत पड़े आप मेरे काम आए। सिद्धवन जंगल मेरे लिए कितना जरूरी है पता है ना? तो उसकी फाइल अब तक अटकी क्यों है? जगदलपुर के जंगलों में क्या हुआ था ये सब जानते हैं। आचार्य के दल ने तुम्हारे आदमियों का क्या हाल किया था भूल गए? अब किसी और जंगल में जाने में बहुत खतरा है जब तक वो घटना लोग भूल नहीं जाते। तुम ये सब छोड़कर कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? पालतू कुत्तों का काम मालिक पर भौंकना नहीं बल्कि उसके तलवे चाटना है।